वन मोर वीडियो फ्रॉम पपी प्ले टाइम चैप्टर 3। जी हाँ दोस्तों, फाइनली आ चुकी है एक और वीडियो जहां पर हम बात करने वाले हैं ब्राउन की। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए एपिसोड में जहां पर आज हम बात करने वाले हैं द लेटेस्ट वीडियो फ्रॉम मॉब गेम्स यानी कि मॉब एंटरटेनमेंट, जो कि है रिस्टोरेशन ऑफ द टॉय यानी कि ब्राउन। यहां पर हमें दिखाया गया है कि जो ब्राउन है वो किस तरह से एक एक्सपेरिमेंट में कन्वर्ट हुआ है, ट्रांसफॉर्म हुआ है, और वो शख्स असल में कौन है, वो एम्प्लॉय कौन है जो कि अब ट्रांसफॉर्म हो चुका है ब्राउन में। उसके बाद जो भी एक्सपेरिमेंट उस पर हुए हैं, उसके बाद जो उसका बिहेवियर है वो कैसे चेंज हुआ है, उसे किन किन प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा है, और वो मिस्टीरियस टॉय कौन सा है जो कि उस पर अटैक करता है, जिसके बाद हमें जो उसकी बॉडी है वो बहुत ही इंजर्ड दिखती है, वो टॉय कौन सा है, और ये जो पूरा रीचेस है ब्राउन पर असल में वो क्या शो करता है, वो सारी बातें आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो आपका लाइक हमारे चैनल को सपोर्ट करेगा आगे बढ़ने में, तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। ऐसे ही ढेर सारी वीडियो मैंने ऑलरेडी बना चुकी है पपी प्ले टाइम पर, जहां पर मैंने हर एक वीचेस को, हर एक लीक निकल के आई है डिटेल्स वीडियोस, वो सभी मैंने कंप्लीट थ्योरी के साथ कवर किया है। ऑलराइट देन, सिट बैक, रिलैक्स एंड जस्ट हैव अ लुक। लेकिन उससे पहले बिग थैंक्स टू आवर चैनल मेंबर्स एसएनएस फैंस, दैट्स टू ग्रीक गॉड लेथल, वीकेवर्स फैन 1, यूएन आइकॉनिक वाईटी, राहुल। और अगर आप भी चाहते हो हमें सपोर्ट करना, तो आप बहुत ही इजीली कर सकते हो चैनल पे दिए गए ज्वाइन बटन पे क्लिक करके, जहां पर आपको मिलता है हर वीडियो का अर्ली एक्सेस और भी ढेर सारे बेनिफिट्स। सो रिक्वेस्ट है, जाने से पहले एक बार ज्वाइन बटन को चेकआउट करना बिल्कुल भी ना भूले। ऑलराइट देन, हमारे साथ देखिए रेस्टोरेशन ऑफ ब्राउन। अब यहाँ पे हमें वो चीज़ दिखाई गई है जो कि हम सबसे ज़्यादा चाहते थे वो चीज़ देखना, यानी कि एक टॉयज पर एक्सपेरिमेंट करते हुए साइंटिस्ट को। लेकिन यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि जो ब्राउन है उसकी जो हालत है वो ऑलरेडी ख़राब है, इसके बारे में हम लास्ट में बात करेंगे। यहाँ पर हमें एक साइंटिस्ट देखने को मिलती है जो कि एक फुल टाइम एम्प्लॉय के बारे में बता रही होती है, थॉमस क्लार्क। जी हाँ, ये वो शख्स है जो कि 1955 से इस कंपनी का फुल टाइम एम्प्लॉय है, यानी कि ये बहुत लंबा समय होता है कोई एम्प्लॉय के लिए एक ही कंपनी में। लेकिन यहाँ पे 6 महीने पहले मिस्टर क्लार्क को मालूम चला है कि उन्हें लंग्स कैंसर है, और यहाँ पे उन्होंने अपने आप को वॉलंटियर किया है फॉर द एक्सपेरिमेंट विच इज नोन एज द रेड डायनासोर ब्राउन। लेकिन यहाँ पर आप देख पा रहे हो जो बॉडी है ब्राउन की वो असल में फुल डैमेज है, लेकिन जो की पार्ट है इस पूरी वीडियो का वो है इसकी आईज। आप देख पा रहे हो कि ये अपनी आईज को मूव कर पा रहा है, यानी असल में हमने इतने पास से कोई भी टॉयज को नहीं देखा होगा। यहाँ पर निकल के आता है हमारे पास एक नया एक्सपेरिमेंट विच इज नोन एज ब्राउन, यानी कि एक्सपेरिमेंट 1199। लेकिन यहाँ पे साइंटिस्ट बात कर पाते हैं कि जो एक्सपेरिमेंट 1199 है, यानी कि जो मिस्टर क्लार्क है, वो असल में उन्हें कुछ याद नहीं है इस बॉडी के अंदर आते ही कि असल में वो एक ह्यूमन है या फिर उनका वजूद क्या था इससे पहले, और वो कहाँ पर हैं उस टॉय को, यानी कि अब उन्हें कुछ याद नहीं है, जो कि ये चीज़ शो करता है कि मे बी ये एक तरह का डार्क सीक्रेट है, मिस्ट्री है जो कि टॉयज बनने के साथ में आती है। लेकिन अगेन इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। वहीं पर टॉय बन जाने के बाद मे बी हर टॉयज की तरह ब्राउन को भी एक डिफरेंट से फैसिलिटी में रखा जाता है, जहां पर हम ऑलरेडी किसी मिसी को हम देख पाते हैं, वहीं पर ही वही जगह है जहां पर अब ब्राउन को शिफ्ट कर दिया है। लेकिन वो देखता है कि यहां पर कई सारे और भी टॉयज हैं जो कि हमें देखने को मिलते हैं, लाइक द कैंडी कैट, मिनी हगी वगीस और द बिग वन। आई डोंट नो कि ये हगी वगी है या फिर किसी मिसी है, लेकिन वहीं पे हम देखते हैं पीछे पका पिलर को, जो कि मे बी वो अभी सो रहा है क्योंकि जो उसकी आंखें हैं वो एकदम डार्क हो रखी है। और नेक्स्ट शॉट में हमें दिखता है कि वो सारे टॉयज जाग चुके हैं, जहां पर सिर्फ और सिर्फ हमें आइस दिखती है पीछे पका पिलर की, और जो उसकी जुबान है जो उसके मुंह से बाहर निकल रही है, और धीरे धीरे बाकी टॉयज भी है जो कि सिर्फ हमें ही यानी कि ब्राउन को ही घूरे जा रहे हैं। यहीं पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो नेक्स्ट शॉट में हमें दिखता है कि जो पीजे है वो अपना मुंह खोल रहा है मे बी फॉर अटैकिंग, यानी कि मे बी ये सब ब्राउन को मारना चाहते हो। अब इसके पीछे का क्या रीजन है वो तो हमें मे बी मैं आपको बाद में बताऊंगा। लेकिन तभी जब ब्राउन उन्हें देख पाता है सभी टॉयज को अपनी तरफ आते हुए, उसी टाइम एक मिस्टीरियस सा हैंड आता है, एक हाथ आता है जो कि ब्राउन को पकड़ लेता है, और रियली ये बहुत स्केरी था। उसी के बाद कुछ रिसर्चर वहां पर आते हैं जो कि देख पाते हैं उसी फैसिलिटी में कि ब्राउन गिरा पड़ा है और उस पर हमला हुआ है, जो कि हम देख पा रहे हैं कि उसका जो ब्लड है वो पूरे फ्लोर पे बिखरा हुआ है। उसी के आसपास कोई बाकी टॉयज भी हैं, लेकिन यहाँ पर सिर्फ हमें ब्राउन दिखता है कि वो घायल है। लेकिन यहाँ पे अच्छी बात यह है कि ब्राउन को
बचा लिया गया है बाय द रिसर्चर्स, यानी कि वो जिंदा है। बस ये है कि ब्राउन के इंटरनल स्ट्रक्चर पर कई जगह पर डैमेज आया है जो कि बहुत ज्यादा डीप है, यानी कि जो उसका लारक्स है वो भी डैमेज है। और यही एक रीजन है जिसकी वजह से मे बी हम ब्राउन को बोलता हुआ नहीं सुन पाते, क्योंकि हमें पता है चैप्टर टू में हमें ब्राउन कई जगह पे मिला है, वो हमें कुछ बोलता नहीं है ना वो कुछ मूवमेंट करता है। तो क्या पता कि जिस टॉय को हम लोग मरा हुआ समझ रहे थे चैप्टर टू में, क्या पता कि वो जिंदा हो। और हमने यहाँ पर ब्राउन के कई सारे वैरायटी देखे हैं, स्मॉल ब्राउन, द लार्ज वन, द बिग वन, द मीडियम और भी कई सारे। यहाँ पर साइंटिस्ट ये भी बात करते हैं कि एक्चुअली 12 घंटे लगे हैं सर्जरी के लिए ताकि वो 1199 को स्टेबलाइज कर पाए, यानी कि उसे मे बी मरने ना दे। और यहाँ पर उसे बाकियों से अलग कर दिया है और एक अलग से कंटेनमेंट में रख दिया है जहाँ पर वो सिर्फ और सिर्फ एक अकेला स्मॉल टॉय है। जिस इंसान को जो उसके अंदर है, उस ह्यूमन को कुछ नहीं पता है उसके बारे में, वो सब कुछ भूल चुका है। उसके साथ क्या हुआ है असल में उसे वो भी याद नहीं, वो कौन है, वो कहाँ पर है, उसे कुछ याद नहीं। वहीं पर ही उस पर इतना बड़ा हमला होना, ऊपर से उसे एक अलग ही कंटेनमेंट में शिफ्ट कर दिया है जहाँ पर कोई नहीं है। लेकिन हम वहीं पर देखते हैं कि उस रूम में एक वेंटिलेशन के लिए मे बी कुछ सिस्टम दिया हुआ है जहाँ से मे बी ब्राउन निकल सकता है अगर वो चाहे तो। लेकिन यहाँ पर आप एक चीज़ ध्यान रखना, जो शॉट हमें सबसे पहले दिखाया गया है, जो मैं आपको बोल रहा था कि यहाँ पे जो उसकी बॉडी है वो थोड़ी डैमेज है, वो एक्चुअली इस कहानी का लास्ट पार्ट है। जब ब्राउन पे हमला हुआ था उसके बाद ब्राउन पे सर्जरी हुई थी जिसकी वजह से वो हमें कुछ ऐसा लग पा रहा है, जो कि जो भी डैमेज है वो हम देख पा रहे हैं उसके फेस पर, उसकी जो आइज है वो भी मूवमेंट कर रही है। सो ये उस टाइम की बात है, कि ये चीज़ लास्ट में हमें दिखाया गया है जब ब्राउन पे अटैक हुआ होगा उसके बाद की जो वीडियो है, उसके बाद का जो इवेंट है वो हमें यहाँ पे दिखाया गया था। और इसी के साथ ही VHS का एंड होता है। सो यहाँ पर आपने जो भी देखा ब्राउन के बारे में और जो उसकी प्रॉब्लम है, जो डैमेज उसे हुआ है, जो कि बहुत ज्यादा ही खतरनाक डैमेज है, बहुत डीपली डैमेज है, जिसकी वजह से जो उसका साउंड सिस्टम है जिससे कि टॉयज बात कर पाते हैं वो भी टूट चुका है, और ये एक रीजन है जिसकी वजह से हम उसे बोलते हुए सुनते ही नहीं है पूरे गेम में। लेकिन यहीं पर ही हमें दिखाया गया है ब्राउन को एज अ लोनली टॉय और एज अ वीक टॉय, कि उसे अपने बारे में कुछ नहीं पता है, वो कौन था एक टाइम पे, वो कौन सा ह्यूमन था और उसके साथ क्या हुआ है। उसे एक टाइम पे लंग्स कैंसर था लेकिन अब वो इस टॉयज में है, इस टॉय की बॉडी में है जो कि है एक्सपेरिमेंट 1199। अब यहाँ पे उसके साथ क्या क्या हुआ है वो तो आप देख ही पा रहे हो, लेकिन देखना ये है कि उसके बाद जिस कंटेनमेंट में उसे रखा है वहां से वो निकलता कैसे है। यहाँ पर बहुत सारी चीजें मुझे क्लियर करनी है आपके साथ। सबसे पहला है कि वो सीक्रेट हैंड किसका था। अब यहाँ पर आप देख पाते हो कि ब्राउन पे कई सारे टॉयज हमला करना चाहते थे, जो कि हम देख पा रहे हैं, जो कि पीजे पगा पिलर है वो एक्चुअली आपको खाने वाला था, क्योंकि जब आप उसका फेस देखते हो तो वो एकदम वैसा ही हो रहा होता है जिस तरह से वो हम पे अटैक करता था एक्स एम्प्लॉय को इन चैप्टर टू। लेकिन उसी टाइम वहां पर एक हाथ आता है जो कि हमें उठा लेता है, जो भी करता है, लेकिन वो हाथ देखकर कई लोग हैं जो कि मान सकते हैं कि मे बी वो हगी वगी हो सकता है, क्योंकि इतने बड़े हाथ हगी वगी के ही हैं, या तो वो हगी वगी है या फिर वो हो सकती है किसी मिसी। लेकिन जहाँ तक हम देख पाते हैं कि जो किसी मिसी है वो हमारी हेल्प करती है, और हमने जो इसके पहले देखा था VHS उसमें भी उसने कुछ नहीं किया था उन एम्प्लॉयज़ के साथ, वो बस वैसे के वैसे ही थी। लेकिन जो भी हो यहाँ पर हम मान सकते हैं कि मे बी वो हगी वगी था जिसने कि हम पे अटैक किया था। लेकिन वहीं पर एक और बात निकल के आती है कि क्या पता कि इस वीडियो को दिखाने का मतलब ये हो सकता है कि कोई नया मॉन्स्टर भी आ सकता है या फिर बनाया होगा उस मॉन्स्टर को जिसने कि ब्राउन पे अटैक किया, और क्या पता यही मॉन्स्टर एक नया मॉन्स्टर होगा जिसे कि अभी तक हमसे रूबरू नहीं करवाया गया है। यानी कि बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि अगर ये हगी वगी नहीं हुआ, अगर ये बॉक्सीबू नहीं हुआ, अगर ये किसी मुसी नहीं हुई, तो हो ना हो यही हो सकता है आने वाले चैप्टर 3 का मेन विलन, जहाँ पर हमें सिर्फ और सिर्फ उसका एक ग्लिम्स देखने को मिलता है और उसके बाद हम शॉर्ट में देख पाते हैं कि ब्राउन का बुरा हाल है, कि ब्राउन की बॉडी से ब्लड निकल रहा है, जो कि हम देख पा रहे हैं कि उसने बहुत जबरदस्त तरीके से उस पर अटैक किया होगा। लेकिन बात यहीं पर ही खत्म नहीं होती है, क्योंकि हमें पता है चैप्टर 3 जब आया था, जब उसका टीजर आया था, तब वहां पर हमें 3 टॉयज देखने को मिले थे जो कि टूटे हुए थे। फर्स्ट था हगी वगी जिसे कि हम चैप्टर 1 में ही मार चुके हैं, उसके बाद मामी लॉन्ग लेग्स जिसे कि हम उसके बाद में मार चुके थे, उसके बाद हमें देखने को मिला ब्राउन, उसके बाद हमें दिखता है गैस मास्क। लेकिन उस पर जाने से पहले आप ये देखो जिस तरह से हगी वगी दिखा सबसे पहले आपको, उसके बाद मम्मी लॉन्ग लेग्स, उसके बाद ब्राउन, उसी सेम ऑर्डर में हमें इन सब के पर्सनल VHS भी देखने को मिले हैं। सबसे पहले हगी वगी का फैसिलिटी से बाहर निकलने का ट्राई जो कि उसका फर्स्ट VHS था, उसके बाद दिखा किसी मिसी का VHS जो कि शो करता है कि नेक्स्ट चैप्टर कहीं ना कहीं बेस्ड होने वाला है किसी मिसी पर। और फर्स्ट जो VHS में देखने को मिला है हगी वगी का, वो ये शो करता है कि हगी वगी
जिंदा है, जिसकी वजह से जो उसका ग्लिम्स है हमें वो अगेन देखने को मिला है। सो मे बी ये एक रीजन हो सकता है हगी वगी की विशेष दिखाना या फिर फीमेल हगी वगी की। लेकिन यहाँ पे जो ध्यान देने वाली बात ये है कि जो थर्ड VHS हमें देखने को मिला है जो कि है रिस्टोरेशन, वो एक्चुअली ब्रॉन पर है और ब्रॉन ही वो थर्ड टॉय है जो कि हमें देखने को मिला था चैप्टर 3 की टीजर में। अब यहाँ पर आपको एक बात गौर करनी चाहिए कि इतिहास गवा रहा है कि जब भी कोई हमें एक नॉर्मल पर्सन जो कि बहुत दूर है सभी वॉयलेंस से बहुत नॉर्मल है, अकेला है, वही आगे चल के एक डेंजरस एनिमी बनता है। सो मे बी ये वीडियो आप देख रहे हो ब्रॉन की, वो एक्चुअली उसी चीज पर बेस्ड होगी। जैसे कि ब्रॉन एक बहुत अकेला था जब उस पर अटैक हुआ, वो बहुत स्मॉल था, उसे अब अपने बारे में कुछ याद नहीं है कि उसके साथ क्या हुआ है, उसे ये भी याद नहीं है कि वो एक्चुअली एक ह्यूमन था जैसे कि लंग्स कैंसर था। अब वो कहाँ पर है, उसके साथ क्या हुआ है, उसे कुछ याद नहीं है, लेकिन उस पे अटैक हो जाता है। उसके बाद जो साइंटिस्ट है वो उसे रिस्टोर करते हैं और उसे एक अलग फैसिलिटी में रखते हैं जो कि उसकी पर्सनल फैसिलिटी है। अब क्या पता कि उसके बाद वो वायलेंट हो जाए, क्या पता कि वो अपना बदला लेना चाहे उन सभी मॉन्स्टर्स से जो कि वो देख चुका था टॉयज फैसिलिटी में जहाँ पे उसे रखा गया था सबसे पहले। अब क्या पता कि यहाँ पर वो बहुत ईवल बन गया होगा, जिसकी वजह से क्या पता कि थर्ड पार्ट का जो मेन विलन होगा वो एक्चुअली ब्रॉन ही होगा, और क्या पता कि ब्रॉन है वो जो कि अपना बदला लेना चाह रहा हो इन सभी टॉयज से। और फिर हमें दिखाया जाएगा कि कैसे एक नॉर्मल एक हैप्पीली टॉयज इतना डार्क होते हुए दिख सकता है, क्योंकि हम देख पाते हैं कुछ हफ्ते पहले एक मैगजीन आई थी बुंजो बनी पर, जहाँ पे हमें दिखता है कि वो एक अंडों की खोज कर रहा होता है और वो हेल्प मांगता है ब्रॉन से, तो ब्रॉन उसकी बहुत ही प्यार से हेल्प करता है, जो कि ये चीज शो करता है कि ब्रॉन असल में एक टाइम पे अच्छा होगा, लेकिन अब बात अलग है, अब वो एक ईवल बन चुका है। अब हमें नहीं पता कि कौन सा टॉय ईवल बना है, स्मॉल वन और द बिग वन, लेकिन जो हमें देखने को मिला है VHS टेप्स में अभी, वो एक स्मॉल ब्रॉन है। जहां तक बात करें खुद को एक्सपेरिमेंट के लिए वॉलंटियर करना, तो यहाँ पर ये चीज भी समझ में आती है कि एम्प्लॉयज जो हैं वो अपनी मर्जी से भी एक्सपेरिमेंट के लिए अपने आप को वो लोग वॉलंटियर कर सकते हैं। जिन एम्प्लॉयज को कोई प्रॉब्लम होगी, जैसे कि वो लोग कुछ ही टाइम बाद कुछ सालों बाद मरने वाले होंगे और जो उनको बीमारी होगी उसका कोई इलाज नहीं होगा, लेकिन वो चाहते हैं जिंदा रहना, तो क्या पता कि वो अपने आप को एक टॉयज में डाल देते हैं। अब यहाँ पर ये वही बात निकल के आती है जो कि स्टेला ग्रेबर ने कहा था अपनी VHS टेप में कि काश वो भी एक टॉय होती। टॉयज बहुत लकी हैं क्योंकि वो कभी मरते नहीं हैं, वो जिंदगी भर जीते हैं, जिंदगी जीते हैं। अब क्या पता कि उसी खोज में, उसी तलाश में, क्या पता कि जो एम्प्लॉयज का जो बेनिफिट होगा कि वो चाहे तो अपने आप को कोई भी एक्सपेरिमेंट के लिए वॉलंटियर कर सकते हैं, मे बी जिसके बदले में उनकी फैमिली को बहुत सारा पैसा दिया जाता होगा बाय द कंपनी। आई थिंक सो यही एक रीजन है जिसके वजह से जो एम्प्लॉयज हैं वो अपने आप को वॉलंटियर करते हैं फॉर द एक्सपेरिमेंट। अब यहाँ पर मिस्टर क्लार्क को मालूम चला कि उन्हें कैंसर है, लंग्स कैंसर है, जो कि मे बी उस टाइम ठीक नहीं हो पाता होगा, और वो जान गया होगा कि अब उसकी मौत होने वाली है, तो उसने अपने आप को आगे किया ताकि वो जिंदगी जिए लेकिन इन द अनदर बॉडी, यानी कि एक अलग बॉडी में वो अपनी जिंदगी जिए। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसा हुआ है जिसके वजह से जो उसकी याददाश्त है वो चली गई है, जहाँ पर हम देख पाते हैं कि मे बी पापी को या फिर मम्मी लॉन्गलेग्स को अपने बारे में याद है। दैट्स व्हाई मम्मी लॉन्गलेग्स हमसे बहुत नाराज थी, हमारे जैसे ही कई सारे एम्प्लॉयज से और साइंटिस्ट से नाराज थी। ये चीज शो करती है कि क्या पता कि उसके मर्जी के बिना उसको ट्रांसफॉर्म किया गया होगा। लेकिन अभी भी एक सवाल ये भी है कि जो अब तक हम ब्रॉन को देखते आए हैं उसके पास ब्लैक आईज थी, ऐसी आंखें नहीं थी जो कि हमने अभी देखा है इस वीडियो में वाइट कलर की, हमने उसकी एक अलग ही आईज देखी है जो कि ब्लैक कलर की है और वो बहुत डेंजरस है। तो क्या पता कि मम्मी लॉन्गलेग्स की ही तरह उसका भी एक अलग काउंटर पार्ट होगा, जो कि हम देख पाते हैं मम्मी लॉन्गलेग्स के दो काउंटर पार्ट हैं, जैसा कि एक है हैप्पीली वाला और दूसरा है जब उसकी आंखें ब्लैक हो जाती हैं तो वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाती है, वैसा ही में भी ब्राउन के साथ भी होगा। सो क्या पता कि अब जो हमें देखने को मिला है ब्राउन वो एक्चुअली एक एग्रेसिव ब्राउन होगा जो कि चाहता है अपना बदला लेना। ऑलराइट, तो ये थी वीडियो अबाउट ब्राउन। अब आप यहाँ पर आप हर एक चीज़ देख पाओगे कि असल में जो वीडियो हमें दिखाई गई है उससे हमें क्या क्या देखने को मिला है, क्या क्या जानने को मिला है। और जहाँ तक मैं आपको बताऊँ तो इतनी सी वीडियो से मैं बस इतना ही जान पाया हूँ जो कि मैंने आपको बता दिया है, और आई होप कि आपको समझ में आया हो और आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो जस्ट लाइक द अदर्स। सो एक रिक्वेस्ट है आप सभी से, जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब किया ना बिल्कुल भी ना जाएं अगर आप चैनल पर नए हो तो, बाकी हो सके तो हमें आप चाहो तो इंस्टा पर भी फॉलो कर सकते हो। टिल देन मैं विकी मिलता हूँ अगले एपिसोड में एक धमाकेदार वीडियो के साथ, जहाँ पर हम बात करने वाले हैं और भी ज़्यादा कई ज़्यादा थ्योरीज अबाउट पपी प्ले टाइम। टिल देन अपना ख्याल रखिए, मजे करें, खुश रहें और देखते रहें। धन्यवाद।